हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग कहते हैं इस तरीके से हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, इस तरीके से उसे घर से नहीं भागना चाहिए, इस तरीके से तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस तरीके से हम पकड़े जाएंगे, इस तरीके से कभी न कभी तुम जरूर पकड़े जाओगे। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, तो आइए हम लोग जानते हैं। एंड बिफोर नोइंग द स्ट्रक्चर, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसकी पहचान की, क्योंकि हम लोग हिंदी के वाक्य में कैसे संडे सीखने वाले हैं, इस प्रकार के या इस तरह से। यहाँ से आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, दोनों ही तरीके में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग लगाएंगे कंप्लीट सेंटेंस, जो भी सेंटेंस आप बोलना चाहेंगे, जिस भी टेंस का या मॉडल्स का। तो आइए ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इंग्लिश में किस तरीके से बना सकते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, इस प्रकार हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे दिस वे या इन दिस वे। चलिए यहां लगा देते हैं इन दिस वे, इन दिस वे, इस प्रकार से। उसके बाद लगाएंगे कमा, कमा लगा दिए, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो क्या ठीक रहेगा? हमारा स्वास्थ्य, तो क्या हो जाएगा? आवर हेल्थ, आवर हेल्थ, आवर हेल्थ will be क्या? All right, all right, और भी के लिए as well भी लगा देते हैं लास्ट में। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बना? In this way our health will be all right as well. As well का मतलब होता है भी। Next sentence है, इस तरह तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे। तो इस तरीके से यहाँ पर लिख देते हैं this way, this way। उसके बाद कमा, तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे। तो यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। तो सब्जेक्ट क्या है? यू, यू लगा दिए। उसके बाद विल लगाएंगे, यू के साथ विल लगता है, हालांकि मॉडर्न में आप सभी के साथ विल लगा सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। तो फेल होना को बोलते हैं फेल इंग्लिश में, हालांकि हिंदी में बोलते हैं असफल होना, यहाँ पर मैंने फेल ही लिख दिया। तो फेल का किस में? परीक्षा में। तो इन दी एग्जामिनेशन, इन दी एग्जामिनेशन। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना? दिस वे यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन, दिस वे यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट सेंटेंस है, इस प्रकार भारत मैच नहीं जीत पाएगा। तो पाएगा, पाएगी, पाएंगे। इस सेंटेंस को बनाने के लिए विल बी एबल टू का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले लिखिए इन दिस वे, इन दिस वे, इस प्रकार से, कमा, भारत, कौन? तो भारत का भारत ही लिखेंगे। इन दिस वे भारत विल नॉट बी एबल टू, एबल टू से बनाया जाएगा पाएगा वाला सेंटेंस, एबल टू विन द मैच। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना? इन दिस वे भारत वॉन्ट बी एबल टू विन द मैच। वॉन्ट का मतलब होता है विल प्लस नॉट को मिला देंगे तो वॉन्ट हो जाएगा, विल नॉट बी एबल टू विन द मैच। नेक्स्ट सेंटेंस है, इस प्रकार से उसे घर से नहीं भागना चाहिए, इस प्रकार उसे घर से नहीं भागना चाहिए। तो दिस वे, दिस वे, उसके बाद उसे, किसे नहीं भागना चाहिए? उसे, कोई लड़का है तो ही लगाइए, लड़की है तो सी लगाइए। तो ही शुडंट, शुडंट का मतलब शुड नॉट, एडवाइस दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं। तो शुड वाला सेंटेंस, चाहिए वाला सेंटेंस शुड से बनाया जाता है, तो आपको शुड के बाद नॉट लगाना है, क्योंकि नेगेटिव का सेंटेंस है। तो भागना को रन अवे या फ्ली अवे बोलते हैं, फ्ली अवे या रन अवे यूज कर सकते हैं। कहाँ से? घर से। तो फ्रॉम होम या फ्रॉम द हाउस, सॉरी यहाँ फुल स्टॉप होगा। तो पूरा सेंटेंस बन गया, दिस वे ही शुडंट रन अवे फ्रॉम द हाउस, दिस वे ही शुडंट रन अवे फ्रॉम होम या फ्रॉम द हाउस। आज का आखिरी सेंटेंस है, क्या इस प्रकार सब ठीक हो जाएगा? या क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे दिस वे या इन दिस वे, कॉमा लगा दिए, क्या सब ठीक हो जाएगा? तो पूछ रहे, सिंपल सेंटेंस है, विल एवरीथिंग, विल एवरीथिंग बी ऑल राइट, विल एवरीथिंग बी ऑल राइट। तो पूरा सेंटेंस बन गया, दिस वे विल एवरीथिंग बी ऑल राइट, दिस वे विल एवरीथिंग बी ऑल राइट। गाइस, इसी जुड़िया मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, इसको ट्रांसलेट कीजिए, राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।